most expensive perfume. Yes. चलो नहीं. देख लिया. वो मुझे पता है. आग में चला गया. Don't be biased. अपने गबरूस को वो देना है. अच्छा रिव्यू. जैसे लड़कों का एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो फूल होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के ऊपर चलते हैं. नहीं नहीं नहीं, ये लड़कों के ऊपर बहुत अच्छी लगी. 100 ml की बॉटल आती 65,000 की. हेलो गर्ल्स, मी लक्ष्य वंस अगेन एंड आज की वीडियो होने वाली है मेरी परफ्यूम कलेक्शन के ऊपर. एक तरह से आपको कुछ परफ्यूम्स बताए जाएंगे जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैनली फ्रेग्रेंसेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंसेज है एंड खास करके लड़कियों को पसंद आते हैं. लड़कियों की बात करिए तो आज मैं लेके आया हूँ नीतू को अपने साथ और वो अभी यहीं होगी. ये रही, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो गया? तो इसको हमने ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर रखा है, ये चैलेंज एक तरह से. आपको पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद पता चलेगा एंड ये मेरी हेल्प करेगी. क्या 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 हो रहा है ये? क्या, सॉरी, वो मुझे पता है. तो आज की वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना एंड लेट्स गेट द वर्क स्टार्टेड. तो अब मैं आपको चैलेंज समझा देता हूँ कुछ इस तरीके का होगा. ये सारे जो आप परफ्यूम्स अपने सामने देख रहे हो ना, एक एक करके आपको सारे दिखाए जाएंगे एंड होगा क्या, ये मेरे पास स्ट्रिप्स हैं, इन पे हम लोग परफ्यूम को स्प्रे करेंगे. मतलब मैं करूँगा, हम लोग तो नहीं, स्प्रे करके फिर इसको एक एक करके मैं सुंघाऊंगा. फिर ये रेट करेगी आउट ऑफ 10 पर परफ्यूम को. आपको हर एक परफ्यूम की अलग नाम बताया जाएगा एंड हर एक परफ्यूम की अलग अलग पहचान बताई जाएगी. तू भी बता दी जाइए कि किस तरीके की लग रही है तेरे को, अच्छी लगी, बुरी लगी, किस तरीके की लगी एंड उसके हिसाब से फिर वो रेटिंग दी जाएगी. फीमेल के नज़रिए से किस तरीके की फ्रेग्रेंस कौन सी बेस्ट होने वाली है, रेट आउट ऑफ 10 करते रहेंगे एंड मैं साइड बाई साइड लिख लूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कितनी रेटिंग इसकी हुई है. तो अब स्टार्ट करते हैं एंड बाय द वे, अगर आपको लग रहा हो कि मैं पहले से सुंघा चुका हूं और ये स्क्रिप्टेड वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी इसको उसके परफ्यूम्स के नाम भी नहीं पता है और मतलब मैं इसको एक एक करके जो सुहाऊंगा उसके बाद फिर ये अपनी रेटिंग्स देगी. तो सबसे पहला परफ्यूम हम ट्राई करने वाले हैं ये वाला, नाम नहीं बताऊंगा इसका, अभी आप बी रोल दूसरा देख लेना किस तरीके की फ्रेग्रेंस लगी और किस तरीके का रेटिंग देना चाहिए. सिट्रसी लग रहा है मेरे को. अच्छा, सिट्रसी लग रही है. ये कैजुअल डे के लिए ठीक है, पर मतलब एवरीडे वेयर के लिए ठीक है, बट जानबूझ के सबसे सस्ती कैटेगरी, सबसे सस्ता परफ्यूम यही है मेरे पास. इससे सस्ता मेरे शायद मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है. तो यार जैसे कि था सिंथेटिक स्मेल लग रही है थोड़ी सी. सिंथेटिक स्मेल है क्योंकि दिस इज मेड, पाउडरी लग रही है. हाँ, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि ना ये मेड इन इंडिया होते हैं और सिंथेटिक जो केमिकल्स होते हैं उसमें थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी के होते हैं. बाकी जितने भी आप देखोगे ज्यादातर फ्रेंच परफ्यूम्स मेरे पास ज्यादा है. हाँ, फॉर्मल वेयर में इतना मत पहनना, मतलब आप पहन रहे हो तो सेमी फॉर्मल पे पहन सकते हो, लेकिन फॉर्मल जो बिल्कुल सूट वगैरह होते हैं ना उनके लिए दूसरी परफ्यूम्स आपको दिखाते हो. तो अब सेकंड परफ्यूम की बात करते हैं, हम यूज करने वाले हैं ये वाला एंड इसका नाम भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब ये रिव्यू देती है अपना. लेट्स स्प्रे इट एंड फाइंड आउट. अच्छा, तो आउट ऑफ 10 कितना रेट करेगी इसको? 6. अभी तो गंदी पॉक से गंदी है, अब 6 और जितनी भी दुबई की फ्रेग्रेंसेस होते हैं ना उनमें एक चीज चलती है जिसको बोलते हैं ऊद. तूने सुना होगा ऊद जो होता है, बेस नोट जो होता है हमेशा ऊद रहता ही रहता है और ये ऊद ज्यादा डाल, अगर वुड जिसको अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलना चाहो. और ये जैसा कि इसने बोला कि डार्क फ्रेग्रेंस है, स्मोकी फ्रेग्रेंस है, तो स्पोर्टी तो नहीं है जैसे कि बोल रही है, स्पोर्टी फ्रेग्रेंस में नहीं है इतना. ये कैजुअल वेयर में आप वेयर कर सकते हो या फिर किसी ऐसी पार्टी में जहाँ पर आप जा रहे हो, जहाँ पर आपको मतलब यू नो फॉर्मली ड्रेस होके जा रहे हो या फिर सेमी फॉर्मली ड्रेस होके जा रहे हो, तब फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगेगा. शादी वादियों के हिसाब से ये थोड़ा वैसा नहीं है, थोड़े मतलब लोग बोलेंगे कि अगरबत्ती से लगा के आ गया, बट हाँ ये अच्छी फ्रेग्रेंस है इसलिए मेरे पास है. प्रेसिडेंटे फ्रॉम एम्पर परफ्यूम्स. गबरू जब आप नोटिस कर रहे हो लाइटिंग में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ज्यादा डार्क लग रही थी. तो अभी दो फ्रेग्रेंसेस हम रिव्यू कर चुके हैं, एक को मिला है 6 out of 10 और एक को मिला है 5 out of 10. तो अब हम रिव्यू करने वाले हैं इसका. ये आप पहले देख चुके हो चैनल पर. ओ, ये तो मस्की है. ओ,
पर्सनली नीतू को मस्क की जो फ्रेग्रेंस होती है ज्यादा पसंद आती है, बट डोंट बी बायस्ड, अपने गबरूज को वो देना है अच्छा रिव्यू. स्वीट है मतलब ये लड़कों के हिसाब से बताइयो, ये थोड़ी हाँ वैसी फ्रेग्रेंस भी हो सकती है, थोड़ी बॉयश है, सूंघ के तुम्हें ऐसा लगेगा बबल गम और किसी फ्लावर की वादियों में पहुंच गए. वो तो पहुंच गए बट लड़कों के हिसाब से मतलब जैसे लड़कों का एक मिसकंसेप्शन होती है कि जो फूल होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के ऊपर चलते हैं. नहीं 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 ये लड़कों के ऊपर बहुत अच्छी लगी ये, एंड ये वही है मैनली फ्रेग्रेंस है, बट ऐसा नहीं है कि लड़कियों वाली फ्लोरल वाली फ्रेग्रेंस है ये. क्या बोलिए ये मैं दूंगी 7 out of 7. ये क्या काउंटिंग चल रही है 5 6 7 क्योंकि मुझे फॉग की गंदी लगी, मैं क्या बोलूं, दो दे दी थी उसको. जो तीसरी फ्रेग्रेंस है हमारे पास, इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट, एंड जब मैंने सबसे पहली वीडियो चैनल पे परफ्यूम की बनाई थी वो इसके साथ थी, एंड ये थोड़ी बहुत लोगों को एक्सपेंसिव लगी लेकिन आपको ये कहीं पे बहुत सस्ती मिल सकती है अगर आप थोड़ा रिसर्च करके जाओगे ना. तो ये है सीके की एटर्निटी नाउ, यूनिसेक्स वाला है ये वर्जन, वैसे ये वुमेन का आता है जो बेसिकली एटर्निटी जो बोलते हैं वो वाला आता है. जैसा कि इसने बताया 7 out of 10, एंड मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, ये गिफ्ट था मम्मी ने मेरे को दिया था, एंड आई लव इट अभी तक. ये फॉर मैन वाली जरूर देख लेना जब भी आप ट्राई करने जाओ, एंड 7 out of 10. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेग्रेंस. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस की बात करते हैं अब, ये वाली ट्राई करेंगे एंड ये देख लो, छोड़ दो उसको, उसको बाद में करेंगे, बाद में अभी नहीं. तो हम ये वाली ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी कि किस तरीके की लगती है इसको, एंड ये बहुत अच्छी है. अच्छी है लाइक ऐसा लग रहा है कोई प्लांट बेस्ड है. अच्छा अच्छे से टाइम ले ले अपना, चार्ट भी दे, चार्ट मत लिया अल्कोहल होगा इसमें. इतनी अच्छी लगेगी सूंघी जा रही है बार बार. ये एक्चुअली टाइम ज्यादा इससे लग रहा है कि थोड़ा एनालाइज करके बताएगी आपको अच्छे से. मेरा नाक काम नहीं कर रहा है, ये मैनली है. मैनली लग रही है तेरे को ये? हाँ. बाकी सबसे ज्यादा मैनली है, एंड बट ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बुढ़े अंकल आ रहे हैं. अच्छा मतलब मिडिल एज मैन के लिए ठीक है, और मतलब टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, और एक जो यंग तो होते हैं वो तो लगा ही सकते हैं. 20 to 30s वाले बंदे लगा सकते हैं. रेटिंग क्या देना चाहिए इसको? 7.5. तो अब तक की सबसे ऊपर की फ्रेग्रेंस यही वाली है, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम. यस दिस इज क्रीड अवेंटस. ये देखने में छोटी लग रही होगी आपको बट इतनी है नहीं, मतलब ये 10 ml की ही सिर्फ जो बॉटल है ना मुझको पड़ी थी 1500 rupees की, सिर्फ 10 ml की बॉटल. इसकी जो एक्चुअल 100 ml की जितनी बाकी सारी ना 100 ml की है, 100 ml की बॉटल आती है 65,000 की. तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भी इतना खर्च कर पाऊँ. अच्छी लगी है. हाँ तो ये 7.5 ml, एंड दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव चीज आई हैव, चीज द परफ्यूम आई हैव, एंड वो पता नहीं. मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परफ्यूम. राजीव वसन जैसे रिव्यू करता है बिल्कुल उस तरीके से. क्रीड एवेंटस का हमने थर्ड अंपायर वो दोबारा लिया है रिव्यू, एंड लेट्स सी कि कैसा लगता है. ये ले 7.5 पहले रेटिंग थी, अब देख लेते कितनी है. वाओ लाइक ये ऐसा लग रहा है मस्की और सिट्रस और लाइक बहुत अच्छी अच्छे वे में अच्छी है. पीछे हो जा, हाथ तोड़ रही है अपना. अच्छा अच्छी वे में अच्छी है. रेटिंग चेंज करना चाहेंगे आप? 8. हाँ चलो 8 पे तो आई, एंड दिस इज क्रीड एवेंटस. 8 मिलता है इसको आउट ऑफ 10 फ्रॉम नीतू. नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसको, एंड उससे पहले एक कॉफी सूंघ ले तो ज़्यादा अच्छा है. ये भी मैं 8 दूंगी. 8? अच्छा लाइक एवरीडे वाली फ्रेग्रेंस है, जैसे सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन सकती है किसी की. तो हमारे पास जो नेक्स्ट परफ्यूम है वो इसी ने मुझे गिफ्ट किया था, जिसको ये बता नहीं पा रहे कि कौन सा है. ये वो नहीं है. वही है. दिस इज मोबोसिन का एक्विलिस, एंड स्किन का अलग सूंघती है ये. तो अगर आपको जानना है कि लक्ष्य ठाकुर कैसा स्मेल करता है तो ये एक्विलिस को सूंघो. तो हाँ ये मेरी मतलब एक तरह समझ लो सिग्नेचर फ्रेग्रेंस है, इसी ने मेरे को दी थी, एंड दिस इज परफेक्ट फॉर डेट्स. मैं इसको लगा किया था जब इसने मुझे गिफ्ट किया था, फिर पता नहीं इसको मेरे से दोबारा प्यार हो गया था. तो तब से मेरे प्यार में पड़ी हुई है.
तो या एक्वेलिस मोबोसिन का ये भी आप ले सकते हो, सारे सारे नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले में कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि ये ऐसे ऐसे नाम होते हैं फ्रेंच परफ्यूम्स के दिमाग में नहीं रहते हो, तो ऐसे लुई विचन दिस इज प्रादा ऐसे करके बोलने में भाई देसी बंदे नहीं बोले जाते यार। तो या दिस वाज एक्वेलिस 8 out of 10। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चलो ये लेते हैं एंड ये हटा दिया, अब ये वाली लेंगे, इसका नाम अभी आप पढ़ लो, उसके बाद आपको इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ओह माय गॉड, अच्छी है काफी। हाँ अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कोई लग्जरियस है। है तो लग्जरियस ही, जेबें खाली कर दी थी इन परफ्यूम से करी। नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे बहुत okay, एक एक वर्ड क्यों बोले जा रही सूंघ सूंघ के, ये क्या बात होती है। आउट ऑफ 10 कितने देना चाहेगी इसको? 9 9। सबसे अच्छी अब तक मुझे लगता है इसमें वाली फ्रेग्रेंस लगी है, विच इज Gucci by Gucci। This is the Gucci perfume and ये original perfume है और ये ना इस थोड़ी सी dark है, summers के लिए मैं मानता हूँ कि अच्छी नहीं है and ये फिर से coffee सूंघ रही ताकि ये next के लिए prepare हो जाए। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि summer के लिए अच्छी नहीं है, इसको आप लोग fragrance बहुत ज़्यादा गिर रही है मेरे हाथ से, इसको आप लोग शादी में आराम से पहन सकते हो, अगर आप suit up कर रहे हो तो उसके लिए अच्छी रहेगी ना ये वाली। सूटअप के लिए अच्छी रहेगी। और किस एज ग्रुप को तू मतलब रेकमेंड करेगी, किस मतलब एक फीमेल जो बंदी होगी उसको किस तरीके का पसंद आएगा अगर ये वियर करे बंदा तो? लाइक जैसे टीनेजर्स भी पहन सकते हैं बट नॉट स्कूल में नहीं। हाँ स्कूल में मत पहनना इसको, स्कूल में तो खैर आप नहीं पहन पाओगे क्योंकि बहुत महंगी भी आती है, इसको मत पहनना। ये वैसी फ्रेग्रेंस है जो आपको थोड़ी मैनली बना सकती है। हाँ ये थोड़ी मैनली फ्रेग्रेंसेज है, डार्क फ्रेग्रेंसेज है, तो मुझको तो ये बहुत ज्यादा पसंद है। गुची बाय गुची 9 out of 10 नीतू ने दिए हैं इसको एंड यू शुड ट्राई दिस वन आल्सो। तो चलो नेक्स्ट परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, इनकी थोड़ी दोनों सिमिलर सी लग रही है तो इसको हम ट्राई करते हैं एंड दिस इज गोना बी दिस 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 ये वाली होने वाली है। और ये विंटर टाइप की है। अच्छा और कैसी लग रही है, तो मतलब स्प्रिंग और समर के लिए तू कह रही है बेस्ट रहने वाली? हाँ अभी कहते हैं विंटर, बट लाइक स्प्रिंग समर के रात के टाइम में, लाइक डे टाइम का इतना। अच्छा फॉर अ डेट और फॉर अ पार्टी राइट, ऐसे टाइप में ठीक है। 8 8। हाँ तू इतनी क्या क्रिटिकली रेट कर रही है, 10 तो किसी को दिए नहीं इतने अभी तक, मैं कोई देख रहा हूँ 10 की मिले यार कभी तो मेरी सारी परफ्यूम को। वेट कर रही हूँ मैं अच्छी वाली के लिए। अच्छी ये सारी अच्छी हैं, ऐसा मैंने कोई लास्ट में रखी हुई। फ्रेंच परफ्यूम है और खास करके ये यू नो एक मतलब आप एक जो बेसिक परफ्यूम जो होती है जिसपे आप ट्राई करना चाहते हो तो सुवाश की तरफ आप जा सकते हो। ये भी काफी ज्यादा मतलब डे टाइम तो नहीं कहूंगा मैं, पर शाम के टाइम इवनिंग टाइम में अगर आप बाहर जा रहे हो, नाइट के टाइम में आप बाहर जा रहे हो, किसी पार्टी के लिए जा रहे हो, उसमें आपको एक थोड़ी लाइट फ्रेग्रेंस चाहिए ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, मतलब एकदम से एटमोसफियर को ऐसा नहीं बनाना कि आप वो एयर फ्रेशनर लगा के आए हो, तब आप इसको सुवाश को यूज कर सकते हो। मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है ये वाली एंड इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना एक ऐसे चिट लगाई जाए और लिखा जाए इस पे सैवेज, क्योंकि दिस इज रियली सैवेज एंड आई लाइक दिस वन 8 out of 10 सुवाश को। नेक्स्ट एक और परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, आप देख लो दोबारा एक बार पहले एंड अब इसको टेस्ट करते हैं। रुक जा बता दूंगा जब बोल जाए। नहीं मुझे लग ही रहा था कि तुझे सेम लगेगी ऑलमोस्ट, ये हाँ सिमिलर सी है बट है नहीं सेम। ये भी नाइट टाइम मिली है, सिमिलर सी लग रही है। हाँ और कुछ अलग इसमें पहले वाली से? ये ज्यादा फ्रूटी है पहली वाली से। हाँ और कितना देने चाहिए इसको आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 ये भी 8.5। 8.5। अच्छा तूने 9 अभी तक किसको दिए हैं? सिर्फ एक को, दैट इज गुची बाय गुची। सो या दिस वन इज ब्लू डे शनेल फ्रॉम द हाउस ऑफ शनेल एंड ये भी एक तरह से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, सुवाश की कैटेगरी में आती है लेकिन जैसा कि इसने डिफ्रेंशिएट किया कि फ्रूटी थोड़ी ज़्यादा है एंड आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप समर टाइम नाइट टाइम में इसको पहन के जाओगे तो। लड़कियां फिदा हो जाएंगी और खासकर आपकी लड़की का नाम ही फिदा है ना तो और फिदा हो जाएगी, वो ट्रिपल फिदा बन जाएगी। आई नो घटिया जोक था ओके। ये EDP है ऑल डे पापू एंड ये वाला EDT में भी आता है तो आप लोग प्रेफर करना EDP वाला, EDT वाला थोड़ा सा मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैंने ये वाला लिया था, ब्लू डे शनेल बाय शनेल जो कि फोकस नहीं हो रहा है, विच इज 8.5 out of 10।
अब होने वाली है नेक्स्ट फ्रेग्रेंस ये वाली एंड लेट्स सी कैसी लगती है। पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस हो गई। एक बार आप मेरे कमरे में आओगे ना ऐसा लगेगा पता नहीं कौन सी परफ्यूम की शॉप में आ गई। ये है 10 out of 10। 10 out of 10। ओह माय गॉड कितनी अच्छी है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई कोई बंदा BMW से निकल कर आया है। मतलब नॉट टू बी जज लाइक पर ऐसा लग रहा है कि लाइक ओहो वाओ बहुत लग्जूरियस स्मेल टाइप की लग रही है। अच्छा मतलब इसको रेटिंग कितनी देना चाहेगी? 10 10 हां 10 आउट ऑफ 10। देखो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंसेस अगेन वैसे तो मेरी सारी फेवरेट है ऑलमोस्ट तभी मेरे पास है। दिस इज बल्गारी मैन इन ब्लैक एंड ये इसको पसंद है काफ़ी ज़्यादा। मैं पहले भी इसको सुहा चुका हूँ बट याद नहीं है। हाँ इसको याद नहीं देखो खुद ही बोल दिया उसने। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है एंड अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जो बहुत ज़्यादा बिजनेस टूर से बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क से बाहर जा रहा है आपके लिए ये डेली फ्रेग्रेंस तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि डेली लगाओगे ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी। मैंने चाहता कि लोगों को आदत पड़े मतलब तरस जाए लोग आपकी फ्रेग्रेंस के लिए ये वाली। मैं ऐसा चाहता हूँ तो इसको आप ओकेजनली यूज़ कर सकते हो एंड एम्बर फ्लोरल जो इसकी फ्रेग्रेंस होती है वो मानी जाती है एंड ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी ऑनलाइन शॉप्स पर ही मिल जाएंगी बहुत सस्ते रेट्स में। टेस्टर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको तो वहाँ से मंगवा सकते हो। मतलब फ्लैश 50% से भी नीचे में आप इसको जल्दी से जल्दी उठा लो मेरी मानो तो। बल्गारी मैन इन ब्लैक लास्ट फ्रेग्रेंस जो हमारी बची है विच इज 10 out of 10 एंड विच इज 10 out of 10 वो वाली एंड लास्ट फ्रेग्रेंस जो बची है आपको सुनवाते हैं। लास्ट परफ्यूम ऑन आर लिस्ट ऑन माई लिस्ट विच इज द बेस्ट फॉर मेन अकॉर्डिंग टू मी होने वाली है ये वाली एंड ये देख लो थोड़ी सी एंड अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको सुनवा देता हूँ एंड पागल हो गई है। बहुत अच्छी है। सूंग ले। सूंगी मैंने। ये डे टाइम वाली है। ओह वाओ समर डे टाइम में पहनोगे तो माय गॉड बहुत अच्छी है। ये ऑल ईयर अराउंड पहन सकते हैं लाइक गर्मी सर्दी दिन रात सुबह शाम सोते हुए हर जगह हर टाइम पहनूंगा। इतनी महंगी महंगी परफ्यूम ऐसे पहनेंगे? नहाते हुए ब्रश करते हुए खाना खाते हुए। आउट ऑफ 10 कितना देगी? 10 इसको भी क्योंकि अगर आपको एक परफ्यूम लेंगे जो आप विंटर और समर में भी चला सकते हो तो वो 10 out of 10 ही होगी। दिस इज द मोस्ट फेमस परफ्यूम एंड ये अगर आप कोई भी बेस्ट टॉप परफ्यूम्स देखोगे ना मतलब फ्रेंच परफ्यूम्स में की बात करूं तो दिस इज द टॉप वन एंड दिस इज 1 million। ओह पाकोरोवान। हां पाकोरोवान की 1 million की ये फ्रेग्रेंस है। बहुत ज्यादा अच्छी बहुत ज्यादा बहुत बेहतरीन फ्रेग्रेंस है एंड इसमें सिल्वर प्लेटेड भी आती है। ये मेरे को गोल्ड प्लेटेड बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको किसी ने ना एक गोल्ड का बार दे दिया हो। ये लो भाई साहब वो चमक भी मार रही है कैमरे में तो अब तो उतार सकती है वैसे हो चुकी खत्म। तो ये एक और फ्रेग्रेंस विच इज 10 out of 10 एंड जो जीतने वाली फ्रेग्रेंसेज है वो बस ये दोनों है विच इज बल्गारी मैन इन ब्लैक एंड पाको रोबान की 1 million। तो या दिस वाज सो ब्रूस ये वाली वीडियो आज आपके लिए हम लोग लेके आए हैं और इसने सारी आपको एक तरह से बताई कि फीमेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छी होती है या नहीं। तो आई वुड लाइक टू थैंक हर कि ये बेचारी हमेशा जब भी इसकी हेल्प चाहिए होती आ जाती है बिना कुछ बोले और देखो कितने रो भी रही यार मेरी हेल्प कर करके इतना वो हो गया मुझे भी नहीं दिख रहा कोई नहीं। वेलकम टू माई आईज एंड वर्ल्ड। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और आप किस तरीके के टेस्ट देखना चाहते हो और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको कोई चैलेंजेस देखने हैं कि हम दोनों करें हाँ, तो ये भी करें सिर्फ मैं नहीं करूँ हाँ तो वो भी बता देना ऐसा ही करता ना कर रहे ठीक है नहीं, नहीं, और वो हम ब्लॉग चैनल पे लेके आएंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जाकर एंड साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करना इस वीडियो को। इसका भी एक चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाकर वहाँ भी लाइक कर जाके देख सकते हो क्योंकि वीडियो से डाल नहीं रही है पता नहीं क्या हुआ आज की खुद ही बताएगी। वो बहुत बिजी चल रही है पूरा दिन सोती रहती है उतनी है सोती तो नहीं है खैर बट फिर भी चलो कोई नहीं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश अरबन गबरू आउट। नकल स्टाइल की फिकर तू आया अरबन गबरू नकल स्टाइल की फिकर तू समझा गया।